Hello everyone, welcome or welcome back to my channel and welcome to a prank video. पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे चैनल पर कि मैं प्रैंक वीडियो बना रही हूँ. मैंने आज तक अपने घर में कोई भी प्रैंक वीडियो नहीं, घर में क्या कहीं पर भी कोई प्रैंक वीडियो नहीं बनाई है. और ये एक एक्सीडेंट प्रैंक वीडियो होने वाली है. पट्टियाँ वट्टियाँ मान लूंगी सिर विर पे एंड जगह जगह, एंड मैं ये प्रिटेंड करूंगी कि मैं स्कूटी से गिर गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया. और मेरे को ये मौका भी बहुत अच्छा मिला है कि मेरी मम्मी अमृतसर गई हुई है. मम्मी कल अमृतसर गई थी एंड आज मम्मी आने वाली है. सो मेरे दिमाग में तो काफ़ी दिनों से घूम रहा है ये आइडिया, बट मैंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट टाइम है कि वो आके एकदम से शॉक हो जाएंगी और मैं पिट भी सकती हूँ. तो प्लीज़ हंसना मत मेरे ऊपर यार, मेरी मम्मी बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव सी हैं. वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाती हैं एंड सीरियस हो जाती हैं. मैं पट्टी ले आई हूँ आते हुए, तो स्टार्ट करते हैं, पट्टी वट्टी बांध लेते हैं. चलो जल्दी से कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग हमारी ये पट्टी की. वैसे तो काफ़ी बढ़िया है, इसको मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ. अब मैं सोच रही हूँ सर पर बांधने वाला करूँ या ना करूँ, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा. कि मम्मी काफ़ी इमोशनल टाइप्स है तो वो मान जाएंगी कि हाँ सच में चोट लगी है. तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ बांध लेती हूँ एक, और एक यहाँ बांध लेती हूँ. मैं ना ये बांधने के बाद थोड़ी हल्दी वल्दी भी लगा दूँगी जिससे थोड़ा रियलिस्टिक लगे. मेरा आज इतना लिटरली बिजी स्केड्यूल है ना, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है सुबह से ही. एक प्रॉफिट भी है इसका, मेरी शक्ल से लगेगा कि सच्ची में ही मेरे को कुछ हुआ है, कुछ तो मेरे चोट वोट लगी है. इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि मेरे को अभी असाइनमेंट बनाना है, मम्मा नहीं है तो घर का खाना वाना भी बनाना है, सो टाइम बहुत ज़्यादा कम है. और मैंने आज ही मम्मी आ रही है तो मैंने आज ही शूट करने की सोची, इसलिए मुझे और बांधनी पड़ेगी पहन के कुछ. तो यहाँ पर मैंने हल्दी घोल ली है और मैं ना मतलब एक इधर की साइड इसीलिए लगा रही हूँ कि जिससे ऐसा लगे कि इधर ऐसे यूँ मेरा हाथ यूँ और यूँ घिसा है. सो मैंने अभी अभी नोटिस किया, वीडियो देखी मैंने, कि आधे से ज़्यादा वीडियो जहाँ पर मम्मी ने सारा कुछ चीका चिल्लाया वहाँ पर सारी वीडियो ब्लर हो गई है. सो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना. पट्टियां भी आपे ही घर ही इन्हें गुके नहीं कीतियां ने हल्दी हल्दी लगा के. मैं तो दुकान दे सी मैंने नहीं दस्या सुबह ऐसे लेके जाइयो अपनी माँ को, समझे ना, हमें मत बताइयो. क्या थी ये आई है 7:30-8 बजे? अरे देखा है ना, हाथ में देखी नहीं जा रही है. तो चल भाई, किसी और तेरा तो हो गया ना, अपनी अच्छा है ना, इसकी दर्द की सब प्रैंक वीडियो के चक्कर पापा देख पापा का पूरा हुआ है.
फोकस नहीं हो रहा। तो लाइट तो जलाओ। So guys, कोई तो है इस घर में जो मुझे प्यार करता है, थोड़ा सा ही चाहे। सुबह का नाश्ता जो बनवाना है गाइस। पापा और सिमरन का तो कोई रिएक्शन नहीं था, वो रो रही है। आंसू एक भी नहीं आ रहा, बस नथनी फुला रही है। वो देख ये देख एक भी आ रहा है। लेकिन हाथ में तो सही में लगी है। तो नहीं करना चाहिए बच्चों, मत चलाएगा तू यहाँ। इतना तो पैदल भी चलना चाहिए। अरे ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है? पापा लाइट तो चलाओ। यार वो सो रहा है अभी, उधर स्पॉइलर भी लाइट। अभी तो लेट आया वो, है अभी लेट है। प्रजात खा ले फिर। प्रजात गंजे हो रहे हैं। तू पागल है क्या? पापा देख लो क्या क्या दिखा रही है। कह रही है पापा गंजे हो रहे हैं बीच में। तो गाइस मेहनत थोड़ी सी सक्सेसफुल हुई, थोड़ा सा कंटेंट मुझे मिल गया। तो ये मेहनत ही है, आसान है ये एक्टिंग करना। थोड़ा सा कंटेंट तो मुझे मिल गया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। और इतना नहीं, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि मम्मी रोज आएगी। शी क्राइड। इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है, थक गई हूँ मैं अमृतसर से ट्रेन में, बहुत लेट हो गई ट्रेन। आप रोए क्यों? So that's it for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये पसंद आए वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।